जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी फिर बाकी? हम जीत के आ जाएंगे दोबारा? कोई नहीं जीतेगा। पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ, तो अमित शाह के आदमी को बनाना हो गए। तो अमित शाह जिसकी पैरवी कर रहा है बीजेपी, सतीश पूनिया का स्टेटमेंट आया कि सचिन पायलट के लिए अभी हमारे दरवाजे खुले। क्या है, व्हाट इज दिस? क्या है, क्या नाटक है देश में? तो जिन्होंने कांग्रेस को सरकार गिराने की कोशिश की, उनको हम पसंद नहीं करेंगे। हाईकमान कहेगा सचिन पायलट के नेतृत्व में, तो सचिन पायलट नेतृत्व में काम करेंगे। हाईकमान ये तय कर देगा कि भाई तीसरा यदि कोई करेगा तो जो पार्टी हित में हाईकमान फैसला करेगा, हम सारे लोग उस फैसले को मानेंगे। और ये उनको भी मानना चाहिए यदि वास्तव में हाईकमान की बात मानते हैं तो। यदि वो कह रहे हैं एक तरफ सारे सारे नेता दोहरी बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ तीन जन से सबके स्टेटमेंट, चाहे धारीवाल जी हो, चाहे प्रताप जी हो, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे प्रसाद लाल जी हो, हाईकमान की बात का हम सम्मान करेंगे, हाईकमान की बात हम मानेंगे, ये तो सब कह रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे। और एक तरफ उन्हीं की बातों से लग रहा है कि वो बगावत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, हम हाईकमान की बातों को मानेंगे, हमने पहले भी माने, अब भी मानेंगे। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि हम बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए? हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं, लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है।